हम तो पूछेंगे मैं अगले आधे घंटे डिबेट नंबर दो, आरक्षण पर संग्राम। गुजरात का वो पटेल समुदाय जिसकी तरक्की की कहानियां हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक में मशहूर है, वो समुदाय जो अपने कारोबारी रसूख के चलते जाना जाता है, अब उस समुदाय से उठी है एक आवाज। ये आवाज अब पटेलों के लिए भी मांग रही है आरक्षण। पिछले 40 दिन से आंदोलन कर रही ये आवाज अब अहमदाबाद तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को अहमदाबाद बंद और बड़ी रैली का ऐलान कर रही है ये आवाज। कल 25 अगस्त है और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के द्वारा पाटीदार अनामत आंदोलन हो रहा है गुजरात में, और इसमें कल पाटीदार महाक्रांति रैली का आयोजन है जीएमडीसी ग्राउंड पर, जिसमें अहमदाबाद बंद का ऐलान हम दे रहे हैं। ये हैं हार्दिक पटेल, 22 साल के वो नौजवान जो इस वक्त राज्य के पटेलों की आवाज बन चुके हैं। पटेल इनका साथ देने के लिए बेताब हैं। राज्य सरकार के पसीने छूट रहे हैं। सरकार कह चुकी है कि आरक्षण देने में वो असमर्थ है, इसके लिए संविधान इजाजत नहीं देता, लेकिन पटेल समुदाय मांग पर अड़ा है। आरक्षण के समर्थन में कई स्थानीय निकायों के बीजेपी नेताओं समेत ऊंझा मेहसाणा के कई पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आरक्षण समर्थकों ने अब अपने सांसदों और विधायकों से भी जबरन समर्थन हासिल करने की बनाई है रणनीति। ये 50 लाख लोग रोड पर निकले हुए, तो सब लोग तो कोई सरकार के विरोधी नहीं होंगे ना, अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, और इस हक की लड़ाई में समाज को सहयोग देना चाहिए, ना कि उसे तोड़छोड़ना चाहिए। हम तो पूछेंगे, क्या गुजरात के पटेल समुदाय के आरक्षण की मांग जायज है? गुजरात का पटेल समुदाय सबसे बहुसंख्यक है, अच्छा खासा रसूख रखता है, और माना तो ये भी जाता है कि बहुत पैसे वाला है। ज्यादातर लोग वहां पर अपने दम पर खड़े हुए हैं पटेल समुदाय के। तो डिबेट नंबर टू में हमारा आज का बात मुद्दा यही है कि गुजरात में आरक्षण पर नया संग्राम छिड़ चुका है। पटेल समाज 22 साल के एक नौजवान के पीछे खड़ा होता दिख रहा है, और हार्दिक पटेल नाम का ये 22 साल का नौजवान गुजरात सरकार को सीधे चुनौती दे रहा है। कल अहमदाबाद में पटेलों की एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। गुजरात सरकार कह चुकी है कि वो आरक्षण नहीं दे सकती, कानून की बाध्यताएं हैं, लेकिन फिर भी पटेल आरक्षण की मांग पर अड़े हैं। क्या उनकी ये मांग जायज है? एक बहुसंख्यक समाज के होने के बावजूद भी इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अल्पेश ठाकुर, जो पटेल समुदाय को आरक्षण मिले उसका विरोध कर रहे हैं, खुद ओबीसी मोर्चे पे हैं और उसका स्वागत कर, ओबीसी मोर्चा कह रहा है कि पटेल समुदाय को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। साथ में वरिष्ठ पत्रकार विष्णु पांड्या भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से लाइव हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में हार्दिक पटेल वो भी जुड़ेंगे, जो कि इस पूरी मुहिम के आप कह सकते हैं कि चेहरा बन चुके हैं, जो पटेलों को आरक्षण को लेकर इन दिनों गुजरात में इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। पहला सवाल मैं अल्पेश ठाकुर आपसे ही पूछूंगा। आपने एक प्रभावशाली रैली की अल्पेश जी कल, लेकिन मैं जानना ही चाहूंगा आपसे, आपको किस बात का डर है? अगर पटेलों को आरक्षण मिलता है तो अल्पेश ठाकुर को डर क्यों है? देखिए, गुजरात में एक बहुत बड़ा तबका जो एक विकास से वंचित तबका है, और गुजरात में यह तबका अपने हक को पा भी नहीं सका है, और गुजरात में एक ऐसा वर्ग भी है जो गुजरात का सबसे बड़ा शिक्षित वर्ग, सबसे बड़ा आर्थिक सद्धर वर्ग है, वो पिछड़ों के हक पे तराप मारने का जो काम कर रहे हैं। तो मुझे ये डर है कि अगर ये इन पिछड़े हुए लोगों के बीच इन मजबूत लोगों को डाला जाएगा तो हमारे पिछड़े इनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, और हमारे पिछड़े फिर वापिस पिछड़े ही रह जाएंगे, और उनको अगर ये बंधारणीय हक मिलता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको ये बंधारणीय जोगवाई भी नहीं है और हक मिलने वाला भी नहीं है। मैं मानता हूँ गुजरात की ये विचारधारा नहीं है, और गांधी का गुजरात जी, उस गांधी मैं इसलिए आपका आपको बीच में इसलिए टोक रहा हूँ कि हमने रैलियां देखी गुजरात में, और एक नहीं दो नहीं तमाम रैलियां हो चुकी है बीते एक डेढ़ महीने के अंदर, जहां पे हजारों की संख्या में पटेल समुदाय के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में आपके जैसे युवा लोग हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अगर उनको आरक्षण मिलता है तो अल्पेश ठाकुर को दिक्कत क्यों है? देखिए, आरक्षण कोई बड़ा मुद्दा उनके लिए नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं उनको भी पता है कि आरक्षण मिलने वाला नहीं है,
पर ये आरक्षण हटाने का यह नया तरीका है और हजारों युवा जुड़ रहे हैं। देखिए अभी जो हजारों युवा जुड़ रहे हैं, मैं मानता हूं कुछ कमियां होगी, कुछ जरूरियातें भी होंगी। मेरे साथ चिराग पटेल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। चिराग पटेल हार्दिक पटेल के बड़े भाई हैं, जो इस पूरे आरक्षण आंदोलन की पहचान बन चुके हैं। चिराग को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं इस वक्त स्क्रीन पे, और साथ में हमारे साथ विष्णु पांड्या साहब भी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले एक बार आपकी इजाजत से चिराग के पास जाना चाहूंगा। चिराग, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे सीधा सवाल, क्यों आपको आरक्षण चाहिए भाई? पटेल समुदाय तो सबसे अधिक तादाद का समुदाय है, संपन्न समुदाय माना जाता है, पटेलों को, पाटीदारों को क्यों आरक्षण चाहिए? पाटीदार समाज पूरे गुजरात में फैला हुआ है, हर गांव में फैला हुआ है, हर शहर में फैला हुआ है। पटेल समाज में 5-10% लोग अमीर है, हम मानते हैं अमीर है, मगर पीछे तो नजर डालिए कि पटेल समाज के गांव में भी लोग रह रहे हैं, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब भी है लोग, उनको आरक्षण दीजिए और उनको मिलना चाहिए, उनका हक है आरक्षण, तो उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। विष्णु पांड्या, हक है आरक्षण, आज की तारीख में जो अग्रणी समाज है आपके तबके का, आपके राज्य का, आपके इलाके का, वो ये मांग करने लगे कि हम बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को तो बहुत मिल चुका, अब बारी हमारी है, हमको भी नौकरियां मिलनी चाहिए, हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए, कितना जायज तर्क है ये? विष्णु पांड्या जी, नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे यहाँ शिक्षा, राजनीति और प्रशिक्षण में असंतुलन का है, और उसमें आरक्षण की जो प्रथा है वो भी करीब करीब जिम्मेवार है। मुसीबत यह है कि जिस प्रकार का आरक्षण का कोटा है, उसमें 1981 और 1985 में जो आंदोलन हुआ, जन आंदोलन, वो जन आंदोलन भी आरक्षण के खिलाफ था, और तभी भी पटेल आगे बढ़े थे, लेकिन उन दिनों की मांग ये थी कि अनामत आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। इस बार मांग अलग है कि आरक्षण में हमें भी शामिल कर दो, वो पटेल समाज है। अब पटेल समाज पूरा का पूरा कोई संपन्न या विपन्न नहीं है, पटेल समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है कि जो गरीब है, और उसको शिक्षा में और नौकरियों में सभी जगह बहुत सी मुश्किलें तो है ही जी। ऐसे ही ओबीसी में भी है जी। अब अभी तक ओबीसी का जो आरक्षण प्रथा जो है उसका पुनरावलोकन होना चाहिए कि किसको कितना फायदा पहुंचा, अभी पहुंचा नहीं है। कुछ ऐसे कोली समाज जैसे लोग हैं उसको तो 1% फायदा पहुंचा है, तो पुनरावलोकन के बिना ये आंदोलन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लेवल पर, केवल पटेल नहीं बाकी जातियों में भी चलता रहेगा, मांग बढ़ती रहेगी। अब सभी की मांगे पूरी करना ये सरकार के लिए ठीक नहीं है, वो असंभव है। लेकिन हम सब जानते हैं इस बात को चिराग कि संविधान क्या कहता है, हम सब जानते हैं कि कोर्ट का क्या आदेश रहा है। इन परिस्थितियों में आप देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं सड़कों पर भीड़ इकट्ठा कर? संविधान में क्या लिखा है वो तो बात बराबर है। 1975 के बाद 22 ज्ञाति थी ओबीसी में गुजरात में, उनको उत्तरोत्तर आज तक 2015 तक 146 ज्ञाति ओबीसी में आ गई अभी तक। तो पटेल समाज का क्या वाक है कि पटेल समाज के गरीब लोग आरक्षण में नहीं आ सकते? और दूसरी बात रही, पर आप पटेल समाज के गरीब लोग की बात क्या कर रहे हैं चिराग? आप ये कहिए ना कि हमारे यहाँ जो विपन्न लोग हैं, जिनके आय कम है, जो गरीबी रेखा में रहते हैं पटेल समाज के लोग, उनको मिले आरक्षण। हाँ? आप आय से जोड़कर देखिए ना, पूरे पटेल समाज क्यों कर रहे हैं? तो आप सबका सर्वे कीजिए, हर कोई ज्ञाति का हमें विरोध नहीं है। अल्पेश भाई हमारे भाई है, जो ओबीसी में है वो भी हमारे भाई है, एससी एसटी में वो भी हमारे भाई है, मगर सबका सर्वे कीजिए और जिसका आरक्षण से जिसको फायदा हुआ है उनको आप उसका सर्वे करके उसका निकालिए कि किसको आरक्षण देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए। हम किसी को आरक्षण मिलना है इसका विरोध नहीं कर रहे, और हम हमारा हक मांग रहे। और दूसरी बात रही कि सड़कों पर हम आतंक नहीं मचा रहे, हमारी 137 रैलियां निकली है, कोई भी रैली ऐसी नहीं कि कुछ आतंक हुआ हो, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाना चाहते हैं। खबरें आई हैं वायलेंस करना, हम लेकिन कल खबरें आई हैं जहां पे झड़प हुई है दोनों गुटों के बीच में, ओबीसी का जो आरक्षण के समर्थक के लोग हैं और जो पटेल के आरक्षण के समर्थक लोग हैं, कल झड़प हुई है आप लोगों की अहमदाबाद? राजनीति
अरे अहमदाबाद में क्या हम राजनीति करने नहीं आए? राजनीतिक लोग अपनी राजनीति करने के लिए दोनों समुदाय को लड़ाने का प्लान बना रहे, और हम अल्पेश जी से मेरे भाई है उनके रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपको कि अपना अपना हक मिले और हमें भी अपना हक मिले। अल्पेश जी जवाब दीजिए, सब साथ में। हाँ अल्पेश जी जवाब दीजिए। चिराग भाई मैं, मेरी संवेदना आपके साथ है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके कन्वीनर जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं सीएम और पीएम को भी नहीं गिनता हूं, उनको मेरे वहां आना चाहिए, इस तरह की बातें हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि गुजरात में एक बहुत बड़ा तबका, चिराग भाई सुन लीजिए मुझे, गुजरात में एक बहुत बड़ा तबका वो विकास से वंचित है, चाहे वो पाटीदार का हो, ओबीसी एसटी का हो। बट आप ये देखिए कि गुजरात में ओबीसी एससी और एसटी का एक बहुत बड़ा तबका है जिसका विकास नहीं हुआ। आप ये बताइए, आपको आप मानते हैं कि नहीं मानते कि ओबीसी में कोई विकास नहीं हुआ? ओबीसी में कई जातियां ऐसी है जो दो दो रोज का खाना भी नहीं खा सकती। आप अल्पेश भाई, ये तो चिराग बोल रहे हैं। अल्पेश भाई एक मिनट, हम बोल रहे हैं ना, हम कहां आपका विरोध कर रहे हैं? हम तो आपके सहमत है भाई। नहीं नहीं, हम भी आपका, चिराग भाई हम भी आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपके अगेंस्ट नहीं है। देखिए मैं ये मानता हूं कि अगर आपकी मांगे जायज है तो आपको सरकार के पास जाना चाहिए। आपके कन्वीनर दूर क्यों भागते हैं? मेरे साथ उनको जाना चाहिए, सरकार के मामलों के जानकार, सरकार से बोलना चाहिए कि भैया हमारी ये मांगे। विकास सिंह जी भी जुड़े हुए, एक मिनट चिराग, एक मिनट अल्पेश, मैं संविधान के जानकार के पास जाना चाहूंगा। विकास सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये संभव है एक अग्रणी समाज, एक अल्पसंख्यक समाज ने, जब एक बहुसंख्यक समाज अपने आरक्षण की बात करे, वो भी ओबीसी कोटे के तहत, क्या ये जायज है? क्या ये हो सकता है संविधान के मुताबिक? देखिए, संविधान में जो इंटरप्रेट अभी तक सरकार ने जिस तरह से किया है और जिस तरह से मामले कोर्ट में भी गए हैं, तो जो भी रिजर्वेशन है वो जाति के बेसिस पे है। एक जाति को देखा गया है कि ये पर्टिकुलर जाति जनरली इसको बैकवर्ड माना जाए कि नहीं माना जाए। जो पटेल लोग अब उठा रहे हैं वो जरा डिफरेंट फंडामेंटल इशू है। वो कह रहे हैं कि हमारे जाति में भी, भले हम अच्छे वर्ग में हो, हमारे ज्यादातर लोग अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमारे जाति में भी, पटेल जाति में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो डिमांड इस तरह का हो रहा है। मेरे हिसाब से जब तक सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में खरा नहीं उतरता कि रिजर्वेशन को बंद ही कर देना चाहिए था, क्योंकि शुरू में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था 1950 में, तो रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। या आप तो पूरा बंद करने की बात कर रहे हैं, आप किस तरह की ये डिबेट ले जा रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं रिजर्वेशन किस तरह के हैं या किसी जाति का विरोध करने के लिए? जब आप अल्पेश, एक मिनट अल्पेश, मैं आऊंगा आपके पास, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपके वो विरोधी नहीं है, इनकी बात, वो संविधान के मुताबिक अपना इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं कानून का। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान ये तो नहीं बोलता कि तबकों का हक खा जाओ आप, और ऐसा क्या हुआ संविधान के तहत इन पिछड़ों का विकास हो गया? पिछड़े अभी पिछड़े हैं और उनका विकास भी नहीं हुआ, और बड़े लोगों को डालने की बात कर रहे हैं? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपकी आपकी तरुणाई अच्छी है, आपकी युवा जोश अच्छा है, लेकिन एक मिनट विकास सिंह की बात सुन लीजिए, मैं आता हूं आपके पास। मेरे पास बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। जी विकास, अपनी बात पूरी करिए। तो आर्टिकल 340 में जो बैकवर्डनेस का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर सरकार चाहे तो आर्थिक बेसिस पे भी बना सकता है और जी जाति के बेसिस पे ही बना सकता है। अभी तक इस देश में जाति का ही बेसिस माना जा रहा है। अब जैसे बिहार में आप देख लीजिए, बनाना पड़ेगा मतलब विकास, वो फॉरवर्ड कास्ट है, लेकिन ब्राह्मण का अगर आप आर्थिक स्थिति अगर उनका देखिएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैं बिल्कुल, काफी लोग बहुत खराब है, वो पढ़े लिखे लोग जरूर होते हैं, लेकिन बीजेपी क्योंकि सांसद में है, स्थिति के बुनियाद में मुसीबत है। विकास सिंह जी, एक मिनट, दिनेश शर्मा को जोड़ना चाहूंगा। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में भी, राज्य में भी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कहा जाता है हार्दिक पटेल को, उनके परिवार को, जिन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया है पटेलों के आरक्षण को लेकर, बीजेपी का क्या स्टैंड है? मुख्यमंत्री मना कर चुकी है। ये मिथ्या वर्णन है कि श्री हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े रहे। दूसरा प्रश्न ये आता है कि पटेल आंदोलन है आरक्षण के संदर्भ में, निश्चित रूप में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और वहां के मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है कि 6,25,00,000 जो गुजराती हैं उनके आर्थिक विकास का भी और सामाजिक विकास का भी पूरा प्रयत्न किया जाए।
जो भी संविधान के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय इसमें हैं, इसमें मैं बहस नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो मना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट और संविधान तो मना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों लोग हार्दिक पटेल के पीछे खड़े। आप मेरा निवेदन अगर सुनिए तो अच्छा होगा जी, कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर कोई भी सरकारें नहीं हुआ करती। अब जहां तक पटेल आंदोलन का प्रश्न है, उनकी जो जायज मांगे हैं कि उनके प्रवेश के संदर्भ में, उनके आर्थिक उत्थान के संदर्भ में, उनके एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में, तो निश्चित रूप में जो सरकार वर्तमान राज्य सरकार है वो एक वृहत नीति तैयार कर रही है, जिससे सर्वांगीण विकास सभी पिछड़ी जाति जो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप में भी पिछड़े हुए हैं या पिछड़े, तो ये इस बात के, चलिए चलिए दिनेश जी मैं आप ही के पास से चिराग के पास जाता हूं जो कि हार्दिक के बड़े भाई हैं। चिराग, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि सरकार अगर पटेलों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देती है, उनके बारे में कुछ कमेटी बनाती है, विचार विमर्श करती है, उनके लिए आपकी जो समस्या है ना, तो आप तैयार हैं चिराग? चिराग आप तैयार हैं? हम तो इस दिशा में जाना चाहते हैं कि अल्पेश भाई भी जो अपने समाज की जो भलाई चाहते हैं ना, तो उनको भी अपने समाज में सर्वे करना चाहिए कि आरक्षण का लाभ लेकर कितनों को फायदा हुआ। और वो दरअसल आपकी लड़ाई यही है, और जो ओबीसी समाज के जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, वही बोलता हूं। आपकी लड़ाई है ना चिराग? वही बोलता हूं नहीं, हमारे मैं वही बोल रहा हूं कि आपका विकास भी नहीं हुआ, आरक्षण के हिसाब से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए आरक्षण के हिसाब से जिसको फायदा हुआ है वो अपने ज्ञाति के जो गरीब लोग है, उनके लिए कुछ छोड़े भाई। हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? हम बोल रहे हैं, हमें तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। चिराग भी अपने लड़ाई पाटीदार समाज के लिए है, ओबीसी के संपर्क को निकालने के लिए है, इसलिए आपको सरकार के पास जाना चाहिए और सरकार को बोलना चाहिए कि भैया हमारी ये दिक्कत है। आप तो सरकार से दूर भाग रहे हैं, तो सरकार के पास जाइए, मिलिए। अल्पेश भाई आपको पता नहीं है, मैं अल्पेश भाई एक बात, अल्पेश भाई कि गुजरात का एक बोलिए, अल्पेश भाई आप बोल रहे हैं कि सरकार के पास जाइए, हम सरकार के पास कल गए, सरकार ने परसों हमें इनविटेशन दिया था और हमें बुलाया था, फिर सरकार ने कल विज्ञापन दिया है कि पाटीदार समाज को आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो डबल भाई, सरकार संविधान से ऊपर नहीं, नहीं है, तो बोल सरकार को भी संविधान का पालन करना होता है, तो संविधान से ऊपर तो कोई है नहीं। और आप ये मान रहे हैं कि आपका जो पाटीदार समाज है उसकी 10% आबादी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं, तो हम तो 99% विकास जी और दिनेश साहब मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप पांचों का। कुल मिलाकर ये बात साफ समझी जा सकती है कि कल जो रैली होने वाली है अहमदाबाद में, जिसमें कहा जा रहा है कि पाटीदार समाज के 10 लाख से ज्यादा लोग एकत्रित होने वाले हैं आरक्षण की मांग को लेकर, साफ समझ में आता है चिराग पटेल से बात करने के बाद। दरअसल लड़ाई इस बात को लेकर है कि जो संपन्न वर्ग है ओबीसी का, जिसको 27% आरक्षण का प्रावधान है, उस संपन्न वर्ग को इस लिस्ट से बाहर निकाला जाए। कहीं ना कहीं चिराग पटेल ने इस बात को माना, उसी तरीके से इस बात की वो तस्दीक नहीं करते हैं कि पटेलों में जो संपन्न वर्ग है उसको इस लिस्ट में, जिनकी वो उनकी मांग कर रहे हैं आरक्षण की, उनको बाहर रखा जाए। ये लड़ाई दरअसल आरक्षण के नाम पर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के तौर पर भी गुजरात में सामने आ रही है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है।